अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट? इसमें ये पूछा गया कि चाइनीज चीनियों का साल न्यू कब शुरू होता है. तो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ. आपने साथ साथ ही अपने नोटबुक पे इसको देखने के बाद राइट भी कर लेना है और इसको याद भी करना है. सो द आंसर इज़ द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट समवेयर बिटवीन जनवरी 21st एंड फेबरी 20th. मीन्स चीनी साल नो 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं शुरू होता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थोरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेस बिफोर न्यू ईयर्स डे? So the answer of second question is, they do thorough cleaning of their houses before New Year's Day to clean out any bad luck from the previous year and to make the house ready to welcome good luck and for the coming year. Question में आपसे ये पूछा गया था कि नए साल के दिन से पहले चीनी अपने घर की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं. आपने चैप्टर में पढ़ा ही है कि वो गुज़िश्ता साल की किसी भी बदकिस्मती को मीन्स निकाल कर फेंकने और आने वाले साल की खुशकिस्मती का इस्तकबाल करने के लिए नए साल से पहले अपने घरों को अच्छी तरह सफाई करते हैं. चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर? वाई के चीनी साल नो पर किस रंग की इजाज़त नहीं होती और किस रंग की हौसला अफजाई की जाती है और क्यों? आंसर नंबर 3 इज़, द ब्लैक कलर इज़ नॉट अलाउड ऑन चाइनीज न्यू ईयर ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ. हाउएवर रेड कलर इज़ इनकरेज्ड एज इट इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट. मीन्स स्या रंग ब्लैक रंग की मौत के साथ ताल्लुक की वजह से चीनी नए साल पर इसको पहनने की इजाज़त नहीं होती. ताहम सुर्ख रंग की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इस रंग का ताल्लुक बदरूहों से बचने से है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज? दरवाज़ों और खिड़कियों पर सजावटें किस चीज़ की अलामत को जाहिर करती हैं? डेकोरेशन ऑन डोर एंड विंडोज सिंबलाइज लक एंड हैप्पीनेस. मीन्स दरवाज़ों और खिड़कियों पर सजावटें किस्मत और खुशी की अलामत को जाहिर करती हैं. ये आपने चैप्टर में पढ़ा था, पैराग्राफ नंबर 3 या 4 है कि वो लोग अपने न्यू ईयर पर डोर्स और विंडोज़ को डेकोरेट करते हैं एक चाइनीज़ वर्ड के साथ. ठीक है, ये उसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया था कि वो किस लिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर? साल नो के पहले दिन के शाम के खाने की अहमियत है. आंसर 5 इज, द न्यू ईयर्स इवनिंग डिनर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट एज इट इज अ सोर्स ऑफ विजिटिंग रिलेटिव्स एंड इट इज आल्सो कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ गेटिंग प्रोस्पेरिटी एंड लॉन्ग लाइफ. चीनी सालनों की तकरीब से पहले शाम के खाने की बड़ी अहमियत होती है क्योंकि ये रिश्तेदारों से मिलने इसमें शिरकत का एक ज़रिया है और इसे खुशहाली और लंबी ज़िंदगी हासिल करने का भी एक ज़रिया समझा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप फिल्ड विद मनी सिंबलाइज? सुर्ख रंग के रुपए पैसे से भरे हुए छोटे छोटे लिफाफे किस चीज़ की अलामत को जाहिर करते हैं? 6 आंसर देखें, द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर. मीन्स सुर्ख रंग के छोटे लिफाफे रुपए पैसे से भरे हुए होते हैं और आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत को जाहिर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर्स फॉर चाइनीज फैमिलीज? चीनी खानदानों के लिए नए साल की क्या अहमियत है? आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, द चाइनीज फैमिलीज कम टुगेदर ऑन द इवनिंग ऑफ
eve of new year's revive their relationship with each other and welcome the new year with great festivities and merrymaking. नए साल पर ख़ानदान एक दूसरे से ताल्लुकात को नए सिरे से मजबूत बनाने के लिए और नए साल को पुरमसरत तकरीब और खुशियों के साथ खुशामदीद कहने के लिए इकट्ठे होते हैं. तो आपके आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. आपने इसको अपने होमवर्क नोटबुक्स पे भी करना है और इनको याद भी करना है अच्छे.